यार आई एम श्योर तुम में से बहुत सारे लोग तो मोरबियस मूवी नहीं देखा होगा, पर यार घबराने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं मोरबियस के स्पॉइलर फ्री रिव्यू करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मेरा इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है एंड इस साल का भी फर्स्ट वीडियो है, तो उम्मीद है कि आप तो वीडियो पसंद आई थी तो सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि यार मैंने अपना दो चैनल तो छोड़कर अभी तक बहुत डिप्रेस में। तो चलो और ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे मोरबियस मूवी पे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी से बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। यार मुझे पूछो थे कि बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा मुझे लगा, तो फिर मुझे तो बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक नहीं बल्कि मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा, सभी म्यूजिक नया था। जहाँ वेनम 2 मूवी देते थे वहाँ पर इतने सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने पहले से सुन लिया था, एंड वहीं मोरबियस मूवी पे सभी बैकग्राउंड म्यूजिक नया था। इमोशनल में इमोशनल, एडवेंचर में एडवेंचर, एंड सस्पेंसफुल म्यूजिक थे सस्पेंसफुल म्यूजिक भी था, इसीलिए बैकग्राउंड म्यूजिक तो बढ़िया। तो अब बात करते हैं मूवी के वॉइस डबिंग के बारे में, क्योंकि यार मैं इस मूवी तो हिंदी में देखा एंड इस बार हिंदी डबिंग बढ़िया दिया है। एंड इतना ही नहीं बल्कि इस मूवी पे बहुत सारी ईस्टर एग्स रिफरेंस वगैरह भी था, डीसी द यूनिवर्स, मार्वल द यूनिवर्स, एंड हाँ स्पेशली यहाँ पर म्यूटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इससे कन्फर्म हो रहा है कि म्यूटेशंस हमें अभी एमसीयू में दिखने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस खत्म होने के बाद। तो फाइनली आ जाते हैं मूवी के VFX एंड CGI के बारे में। अगर सही रीज़न का बात करूँ तो फिर मूवी में बहुत सारे CGI यूज ही नहीं हुए बल्कि यहाँ पर रियल स्टंट्स वगैरह यूज किया गया, लेकिन फिर भी मूवी का CGI और VFX भी बढ़िया था। अगर तुम मुझे पूछो रे कि मूवी मुझे कैसा लगा, तो फिर यार मूवी तो मुझे दिल ही जीत गया, खास करके स्पाइडरमैन का बेस्ट विलेन मोरबियस था सोलो फिल्म इतना पसंद आया था मैंने जब भी जाना भी नहीं था। लेकिन भाई फिर भी मुझे मूवी एवरेज लगी। वेनम 2 मूवी देता था वहाँ पर जैसा मुझे एवरेज फील हुआ यहाँ पर भी वैसा एवरेज फील नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर थोड़ा बेस्ट मूवी था। एंड अगर वेनम 2 वैसे मोरबियस थे तो फिर मुझे मोरबियस मूवी ही पसंद आया। पर यार मूवी तुम देखने समय में ये एक्सपेक्टेशन करते नहीं जाना कि यहाँ पर स्पाइडरमैन एंड वेनम भी दिखें जैसे, क्योंकि मूवी के पूरा सीन्स में कहाँ पर भी वेनम एंड स्पाइडरमैन हमें नहीं दिखते बल्कि मूवी का एंडिंग सीन में हमें सिम्बियोट वेनम दिखता है एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में मोरबियस एक पोर्टल के अंदर घुसता है एंड उस पोर्टल के अंदर वेनम एंड स्पाइडरमैन बैठे होते एंड वो भी एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। यार तुम अगर ये मूवी देखो थे तो तुम हिंदी में ही दे रही हो, मैं इसका इंग्लिश डबिंग का मूवी देता था कितना बेकार लगा था, इसीलिए यार अपने लैंग्वेज हिंदी में ही देखना। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग तो मूवी तो नहीं देते हो रहे, पर यार मूवी देखना, मूवी बहुत अच्छा है, लेकिन आप स्पाइडरमैन एंड वेनम तो एक्सपेक्टेशन करते मत जाना। मुझे इस मूवी के लिए तुझ पे एक्सपेक्टेशन नहीं था इसलिए मैं मूवी तो बहुत एंजॉय किया, तुम भी कुछ एक्सपेक्ट मत करो एंड सीधे जाते मूवी दे। एंड अगर मोरबियस मूवी से स्पॉइलर से बचना है तो यार यूट्यूब एंड सोशल मीडिया बंद करते ही रखना। तो फाइनली मूवी का मार्क्स दे देते हैं, मूवी तो मैं कितना पॉइंट देता, मूवी तो मैं 10 में से 7 जरूर दूंगा। देखो मुझे तो मूवी एवरेज लगी, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें मूवी अच्छी भी लग सकता है या फिर पूरा बेकार भी लग सकता है, पर यार सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। एंड मोरबियस का मूवी देखो दे तो फिर पोस्ट क्रेडिट सीन्स मिस मत करना, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडरमैन एक्रॉस द स्पाइडर वर्स एंड वेनम एंड एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन तो दिखाया गया है, तो यार देखो पोस्ट क्रेडिट सीन्स मिस मत करना। यार देखो इस चैनल का मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड इस साल का भी फर्स्ट वीडियो है, यार अगर आप तो ये वीडियो कहीं पर भी थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक तो से ज़रूर करना एंड इसी तरह का वीडियोस में डेली 3 डेज में ला दूंगा, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज तेरे बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।